वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? ऐसा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी भी मेरी आवाज़ जो है वो बैठी हुई है, मतलब भारी भारी आवाज़ निकल रही होगी गाइस। और बाबू को मैंने खाना खिलाया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा वो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, तो सोचा पहले उसको खिला देते हैं, उसका ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि आप लोगों ने तो लास्ट मेरा ब्लॉग देखा कि दीदी चली गई थी, तो आप तो जानते हो कि कोई आने वाला रहता है तब बहुत ज़्यादा काम होता है, एंड कोई जब जाने वाला रहता है तब बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा काम हो गया था, तो इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं की सुबह से। मतलब ब्लॉग इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि आप ना काम करोगे, ब्लॉग भी साथ साथ करोगे ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब लेट हो जाता है। तो सोचा कि नहीं आज मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब लग रहा था कि नहीं काम जब मैं फटाफट कर लूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। बट रेस्ट भी मैंने की, मैं जब फिर जैसे ही काम खत्म करके आई उसके बाद मैं ना थोड़ा सा रील्स बनाने लगी, क्योंकि बहुत दिनों से रील्स नहीं बनाया था। ये नहीं रील्स में डालती थी, बट पहले का रील्स डालती थी, ऐसा नहीं है अब भी कंटिन्यू प्रेजेंट का मैं रील्स नहीं डालती थी। मुझे रील्स बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसलिए। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को खड़खड़ टाइप की आ रही होगी ना, तो वहाँ पर कूलर चल रहा है गाइस, देख रहे हो आप, तो कूलर चल रहा है इसलिए थोड़ी सी आवाज़ खड़खड़ आ रही है। मेरा अपडेट देखो, पापा और बेटी दोनों मिलकर बेड का क्या हाल करके रखे हैं। अमन का भी अभी काम नहीं है, आई थिंक एक हफ्ते अभी काम नहीं है, तो उसका क्या है ना कि 3-4 दिन से लगातार सोया नहीं था, तो आज थोड़ा सा टाइम उसको मिला। या मतलब ये नहीं कि काम नहीं रहता है तो उसको फिर टाइम फ्री रहता है, ऐसा नहीं है, क्लाइंट से मिलना इधर जाना उधर जाना उसका लगा ही रहता है। बट आज वो सो गया एक घंटा घर में, तो आज दोनों बाप बेटी जो होता है एकदम आराम से सोए हुए थे, और मैं क्या कर रही थी, रील्स बना रही थी। ये देखो मेरी बेटी को, बेटा नहीं ऐसे करो, तो मैं इसको खाना खिला के ना नीचे रख दी थी, तो आके ना बाबू ये देखिए क्या कर रही थी। तो जा रही हूँ उसको प्रेस करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुका है, शाम का कितना टाइम हो रहा है, 4 बज रहा है और मैं यहाँ पर आराम से लेटी हुई हूँ। एंड मेरी बाबू को देखो आप, वो इधर से उधर घूमते रहती है। तो चल दो गेट खोली, गेट खोली, इसको देख रहा ना। इसको देखिए फ्रेंड, इसको 3 घंटे काम में बिजी, जब टाइम मिलता है तो पता है क्या करता है, सिर्फ गाना सुनता है। क्या सुन तुम्हारा बात राजगीर जाना, बताओ कब चलोगे लेके? कितना ही बदमाश है, बताओ सर, कब लेके चलोगे? 22 तारीख के बाद चलोगे लेके? हमारा कब काम है, कब तक आना है? 20-21 को काम है। गाइस पता है मैं इसे बहुत ही ज़्यादा अभी लड़ रही थी, पता है किस लिए? इसका अपना इसका मैं मोबाइल मांग रही हूँ, अपना मोबाइल मुझे दे दे, कब दोगे अपना मोबाइल? इसका मोबाइल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, नहीं दे रहा है हमको अपना मोबाइल। आज टाइम मिला है, पता है कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि दिन भर और रात भर दोनों मतलब आपको टाइम नहीं मिल पाता है, सिर्फ 1 घंटे आता है सोता है उसका फिर चले जाता है, बात करने तक कभी टाइम नहीं मिलता, इतना ही बिजी रहता है। और ये देखिए सारा बेड खराब कर दिया है सोचो क्या, प्रणाम भी कर रही है, देख रहे प्रणाम भी कर रही है। पापा के पास ऐसे चिपके सोती है, लगता है जैसे कि मम्मा इसको प्यार ही नहीं करती है, और बहुत ही ज़्यादा पापा से प्यार करती है भाई। तो चलते हैं काम करने के लिए, वैसे भी हम लोग को क्या है काम नहीं। पापा भी बेटा, पापा भी बेटा, बेटा मम्मा को किसी का जाता बेटा? नहीं बेटा। तो फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए आ गई हूँ, चाय पापा जी पीते हैं, उसके बाद मैं सारा चीज़ों को साफ करूँगी, चाय मेरा खोल रहा है। और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने बहुत सारा चुकंदर निकाला हुआ है, क्यों निकाला है, इसका जूस बनाने के लिए, क्योंकि देख लीजिए सारा चुकंदर जो है वो सूख रहा है, तो मैं सोचे चलो इसका जूस निकाल लेती हूँ, वैसे भी थोड़ी सी वीकनेस टाइप लगी है, तो सोचा चलो चुकंदर का जूस जो है वो निकाल लेते हैं। एंड एक और चीज़ दिखाओ, बंगाल का दही मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जीजू आए थे ना फिर से लेके आए थे मेरे लिए, तो बंगाल का दही मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बिकॉज वो इतना मीठा होता है ना, मतलब ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे मेरा चाय जो है वो यहाँ पर खोल चुका है। तो बस पापा जी को चाय देना है, कैसे नहीं हुआ है। किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी है, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी है, क्योंकि खाना वाना बना के खाना खा के इस पर चले गए थे। जा रहे हो तो मेरे लिए आइसक्रीम लेते आना। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ चुकंदर काटने के लिए। सोचा चुकंदर मतलब रखे रखे ऐसे ही ख़राब भी हो रहा था, तो मैं सोची चलो उसको काट के जूस लेकर लिया जाए, क्योंकि ऐसे तो कोई चुकंदर खाएगा नहीं, और ऐसे खाने में मतलब लगता है जैसे एक ख़त्म होगा तो दूसरा आएगा, मतलब बहुत कड़वा टाइप का लगता है, इसलिए मैं तो ऐसे खा नहीं सकती हूँ। तो सोचा चलो उसको जूस ही मैं निकाल लेती हूँ, और बहुत ही सारा चुकंदर रखा हुआ था, कुछ तो ख़राब भी होगा, तो मैं उसको साइड करते जा रही थी। एंड ये सब चुकंदर ना मतलब मैं ही लेके आई थी, बट कुछ कुछ रिजॉर्ट से भी मतलब होटल से भी इसके इनके आ गया था, तो वही सब रखे रखे ऐसे ख़राब हो रहे थे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। सो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने ग्राइंडर में उसको पीस लिया है और मैं यहाँ पे जूस निकाल रही हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरीके से मैं जूस निकाल रही हूँ। जितना पतला कपड़ा हो सूती का, मेरे पास तो उतना पतला कपड़ा नहीं था, तो जो था मैं सोची चलो उसी से निकाल लेती हूँ, थोड़ा ये पतला लगा मुझे इसलिए। और इसे बहुत ही अच्छे से निकलता है, जितना आपको जूसर में नहीं निकलता उतना अच्छे से इसमें निकल जाएगा आपको। एंड देखती हूँ कितना होता है, और बाबू तो नहीं पीती है, बाबू पिएगी तो देखते हैं एक दो घोट पिएगी, वरना उससे ज़्यादा तो पिएगी नहीं। तो बस यही है आज का मेरा व्लॉग गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा छोटा सा व्लॉग। एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब इतनी ज़्यादा धूप होती है ना कि मतलब आप काम करते करते थक जाओगे, मन ही नहीं करेगा व्लॉग बनाने का। एंड देखो इतना मतलब मेरा जूस जो है वो निकल चुका है, एंड मैं इसमें डालूंगी ब्लैक सेल एंड लेमन, मैं इसमें डालूंगी उसके बाद पी लूँगी। चलो आपको टेस्ट भी मिल जाएगा एंड आप पी भी लोगे, बिकॉज चुकंदर थोड़ा सा कड़वा होता है, इसलिए मैं बाबू को पिलाऊँ। बेटा पी लो तू, उसको पसंद आ रहा है। तो जितना गंदा होना हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा कपड़ा चेंज कर दूंगी। नहीं, हम पिला रहे हैं ना। ले लो बेटा। वो उसकी बदमाशी कर रही है, वैसे वो चुकंदर का जो ज्यादा पीती नहीं है, एक दो घोट पी ली बस, वही उसके लिए काफी है। तो चलिए पहले मैं पी लेती हूँ, उसके बाद